No, 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 no. रुक जा, दोबारा पैर ऊपर ऊपर हो। बेबी तुमने खिड़की में पर्दे लगवा दो, वो नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अबे पागल, उसको एक बार अच्छे से देख लेने दे, वो खुद ही पर्दे लगवा लेगा। अबे भाई कहाँ से आ रहा है? अबे यार अभी ना मुझे रास्ते में एक बच्चा दिखा, बड़ा परेशान था। क्यों? अबे यार उसे ना घंटी बजानी थी और घंटी बहुत ऊपर थी, उस बेचारे का हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो भाई तूने क्या करा? भाई मैंने सोचा उसकी मदद कर देता हूँ, मैंने बहुत जोर से घंटी बजाई और उससे पूछा, हाँ बेटा आप क्या करना है? तो भाई उसने क्या बोला? बोल रहा भैया भागना है। जोर का झटका। अबे तेरे को पता है तू चश्मा लगाती है ना तो उल्लू दिखती है। अबे मैं चश्मा उतार दूंगी ना तो तू मुझे गधा नजर आएगा। मिले दिल में उठा दर्द। ये पटाखा कौन है? भाभी है तेरी। अच्छा इसकी कोई बहन है? नहीं। फ्रेंड तो होगी? सब कमिटेड है। मम्मी उए, ये तो तेजस यादव है, ये टिकटॉक पे बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। आज के साथ वीडियो बनाते हैं। अरे हम टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हो ना, इनके साथ एक वीडियो बनाओ। चलो मेरा नाम बोलो। मेरा नाम, मेरा नाम अरे यार सुनो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये ना गूंगा है, तुम इसका ख्याल रखोगे? मैं भी आती हूँ। ओके भाई, हादसा कैसे हुआ आपके साथ? अरे गूंगे कैसे हो गए? भाई मैं कोई गूंगा बूंगा नहीं हूँ, वो तो कुछ बोलने नहीं देती इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। थैंक यू, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी। चलो अमेरिका, जापान, लंदन, गोवा, स्विट्जरलैंड। जापान है क्या भाई? हाँ जापान है, मगर 500 रूपए टिकट है उसका, मालूम क्या तुम्हारे को? ऐसा क्यों भाई? अरे रोड़ा बहुत तेज है वहाँ के, सना ना 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 पिरी ऐसी गाड़ी भागती नहीं, वहाँ रुकती नहीं गाड़ी। तू कहाँ रहता है? मम्मी पापा के साथ। तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मेरे साथ। तुम तीनों कहाँ रहते हो? एक साथ। मेरा मतलब तुम्हारा घर कहाँ पे है? पड़ोसी के घर के पास। तो पड़ोसी का घर कहाँ है? मेरे घर के पास। चलो आ रहा हूँ। और मेहता साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, सूरज अस्त, हम सब मस्त। दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता। आप ये बताइए अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हैं आप? साहब जी मैं तो बाजरा खिलाती हूँ। बाजरा इस गर्मी में? आपको नौकरी से निकाला जाता है। आप बताइए आप क्या खिलाते हैं? साहब जी मैं चावल खिलाता हूँ। चावल इतनी सस्ती चीज, आपको भी नौकरी से निकाला जाता है? भैया आप बताइए आप अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हैं? साहब जी मैं तो अपनी मुर्गियों को 5-5 रुपए दे देता हूँ कि जो तुम्हारा मन करे वो खा लो। अच्छा कुछ फल जो होते हैं नाम से ही महंगे होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ऐसा लगता है कहीं बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है स्ट्रॉबेरी। आप देखना कभी दुकानों में फल पड़े रहते हैं, जो सस्ते फल होते हैं वो बाहर रेडी पे आए हुए पड़े रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। स्ट्रॉबेरी अलग से एक डिब्बे में पड़ी रहती है यूं करके। एक्चुअली जितना महंगा फल होता है ना उसको उतनी इज्जत के साथ रखते हैं। स्ट्रॉबेरी यूं करके बैठी रहती है और लगी भी शीशे में होती है, तो दूसरी सब्जियों को चिढ़ा रही होती। अदरक देखा कभी आपने? अदरक रेडी पे ऐसे पड़ा रहता, दारू पी के पड़ा हुआ ऐसे, और सब्जी वाला पानी मारता है और ऐसे आंख खोल के देता, हट गाली देके फिर सो जाता है। हर एक सब्जी का लेकिन नाम से बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे धनिया है, धनिया नाम से लगता है कि मुफ्त में आता होगा, और अगर कोई पैसे दे के खरीदता भी तो घर जाके बनाता इसकी चटनी होगा, और बेचारे का क्या बनेगा उसका? धनिया का मटर पनीर तो बन नहीं सकता। एक मिर्ची होती है, आप जितनी भी सस्ती ले आओ, ज्यादा खा लो तो बड़ी महंगी पड़ती है। तू उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? नहीं मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ये क्या तुम पहली बार आया ना इधर? स्टील का बैलन बना दिया यार। अरे कंपनी वालों खुदा से डरो, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता क्या? भाई लकड़ी वाले ही चलने दो, उसको बंद करो प्लीज। बेबी दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, लंदन या पेरिस? औकात, औकात में रहना चाहिए। झोलमझाल से दूर हूँ मैं इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा। नो 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 नो।
अच्छा गज्जू ये बता अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? नहीं पता यार। तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था ना। अच्छा प्रेम तू बता आकाश कौन है? नहीं पता। तो अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान देना चाहिए था ना। जोर का झटका हाथों से लगा। क्यों? तू घर छोड़ के कहीं जा रहा है क्या? दोनों कौन है? मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। एक मिनट, कौन चिंकी है कौन मिंकी है? अरे बताया ना, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है इधर वाली कौन है उधर वाली कौन है? सनी लियोनी के भजन। अच्छा प्रेम एक बात बता। हाँ पूछ। अगर मेरा नाम रिया होता और मुझे एक कमरे में बंद कर देते तो लोग मुझे क्या कहते? बंदरिया। मुझे दो बातें समझ में नहीं आती। कौन सी? तुम लड़कियाँ बोलती हो कि लड़के ज्यादा मूर्ख होते हैं। सही बोलती हूँ, लड़के सारे मूर्ख होते। तो फिर दूसरी बात ये क्यों बोलती हो कि हम लड़कों से कम नहीं है? और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यार आपकी शक्ल ना मेरी बीबी की तरह दिखती है। अरे कमाल है, इतनी जोर से मार दिया। बेबी फाइनली हमारी शादी होने वाली है, आज से तुम ही मेरी पूजा, मेरी अर्चना, मेरी आरती हो। हाँ बेबी, आज से तुम ही मेरे रमेश, सुरेश और शुभम हो। ओह सॉरी बेबी, मुझे लगा कि एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेना है। एक्सक्यूज मी, ये इधर चाय की दुकान का है? यहाँ पर चाय की दुकान, यहाँ से सीधे जाना शायद। ए दूर हट, दूर हट, नहीं तो भाटा मार दूंगा। हट। अरे तू इधर है क्या? अरे मैडम ये मेरे भाई है, भूलने की बीमारी है इसको। ए आई लव यू, बोल मेरे भाई को, बोल बोल। अरे नहीं ऐसा नहीं करते पागल। चाय की दुकान का बता रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर? कहाँ भैया? ये फकीर चंद का घर यही है। मैडम को कुछ नहीं आता। हाँ तुम लड़के ना हिस्ट्री में बहुत कमजोर होते हो। अच्छा प्रेम एक सवाल का जवाब दे। हाँ पूछिए। 1869 में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। गुड। अच्छा गजे तू बताओ 1872 में क्या हुआ था? मैम गांधी जी 3 साल के हो गए थे। बेबी आ गए डॉक्टर के पास से, क्या बोला डॉक्टर ने? अबे वो सब छोड़, तू काम वाली शांति को बुला। डॉक्टर ने बोला घर जाके दवाई खा के शांति के साथ सो जाना। बेबी मैं डीपी चेंज करने की सोच रहा हूँ। हाँ तो कर लो ना, वैसे ही डीपी होती क्या है? धर्म पत्नी कैसे आए गोरी हम तोरे घर मां। अरे पहचाना? नहीं। अरे अभी तो सामने से गया। अच्छा सुनो, तुम दोनों को शाम को घर पे आना, खाना खाना है, बचा हुआ बाय, मैं लेट रूम, बाय। सही है ना, साथ में जाएंगे? क्या सही है, हम लोग बेवकूफ दिख रहे हैं यहाँ पे, भिखारी हम लोग, बचा हुआ खाना खाने जाएंगे। अबे बचा हुआ नहीं, बच्चा हुआ है। नो 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 नो। जूस मी, मेरे हैप्पी वाला बर्थडे है तो यार केक खाओ यार। हेलो माँ। हाँ अरे जिस केक में छिपकली नहीं निकली थी मरी हुई, हाँ वो मैंने दो चिमकांडी सी शक्ल वाली को खिला दी। हाँ घपा कब खा रही है। हाँ, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, पर बेशरम है, हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला। अबे भाई मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, वो मेरे से बहुत गुस्सा है। तू मेरे साथ चल, मैं जो भी बोलूँ ना तू हाँ हाँ कर देना बस। हाँ। चल
सॉरी बेबी, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ बेबी, मैं तुमको कॉल भी करने वाला था पर मेरा मोबाइल डेड हो गया था। हाँ बेबी, मेरी मम्मी की भी बहुत तबीयत खराब थी। हाँ तुम ना मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाँ मैंने ना तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा। हाँ मैं तुमसे लेकर कुछ जा रही हूँ। हाँ साले मत। क्या हो गया प्रेम, क्या सोच रहा है? अबे यार, ये बीवी को बेगम क्यों बोलते हैं? देख, शादी के बाद वैसे भी सारे गम है ना पति के हिस्से में आ जाते हैं, तो बीवी बेगम हो जाती है। ये लीजिए, चाय पीने के बाद ये क्रॉसिन खा लीजिए फटाफट। पर मुझे तो बुखार नहीं है। तो फिर ये पुदीना रखा लीजिए। मुझे पेट दर्द भी नहीं है। तो फिर ये एक बाम लगा लीजिए। अरे बाबा, मुझे सर दर्द भी नहीं है। तो फिर इनो खा लीजिए। मुझे एसिडिटी भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो जी? फिट एंड फाइन। हाँ तो फिर चलिए, मार्केट जाना है, मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग करना है। चलिए।